तो साथियों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑल टाइप्स ऑफ ग्लिटर विनाइल्स को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, कौन कौन से कलर्स होते हैं। तो वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों, मैं चमन कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल SGS सब्लिमेशन में। साथियों आज हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्लिटर विनाइल जितने हमारे पास कलर्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी कलर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ये हमारा गोल्डन होता है, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ऑलमोस्ट जितने भी कलर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे इन्हें आप डार्क टी शर्ट्स पे कीजिए चाहे लाइट कलर्स पे। ठीक है, तो हमारे पास सभी कलर्स अवेलेबल होते हैं, रोल फॉर्मेट में होते हैं, 20 इंच का रोल होता है। इसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे कि इनको टी शर्ट पे जब हम प्रिंट करते हैं तो जो लुक आती है वो कैसी आती है, क्योंकि मैं आपको हमेशा से यही बताते आ रहा हूँ कि आप कुछ यूनिक करेंगे तभी आपके कस्टमर ज़्यादा बनेंगे। तो यूनिक करते रहिए दोस्तों, इन्वेंशन करते रहिए, नए नए प्रोडक्ट को लाते रहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं साथियों। हमने क्या किया, हमने गूगल से कोई फ़ोटो उठाई, जैसे स्टे ट्रू फॉलो योर ड्रीम्स इस तरीके की फ़ोटो उठाई। हमने क्या किया, कॉरल ड्रॉ जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें हमने इसको एडिट कर दिया इस तरीके से, ये हमने एडिट कर दिया है। अब सिंपल सा फॉर्मेट है, हमने क्या करा है फॉन्ट चूज करें और हमने पीछे लाइनिंग डाली। अब दो कलर्स को हम लोग यूज़ करेंगे, एक ब्लैक टी शर्ट के ऊपर और एक वाइट टी शर्ट के ऊपर, किस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मेट है साथियों। क्या कर रहे हैं हमने साथियों, क्या किया हमने, ये आपका इंटरनेट से एक फ़ोटो उठाई और उसको हम कॉरल ड्रॉ में लेके गए और हमने इसको कर दिया। अलग अलग फॉन्ट है हमारे, ये अलग अलग फॉन्ट है और मैंने पीछे अलग से लाइन बना दी है, जैसे कि ये लाइन बनी हुई है अलग सेलेक्टेड है। अब आपको ड्यूल कलर्स को किस तरीके से वर्क करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक बात ध्यान रखें, अगर आपने इसी के ऊपर ये चिपका दिया, ब्लैक कलर का चिपका दिया, तो वो क्या होगा कि इसके ऊपर पेस्ट नहीं होगा अच्छे से। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मेट है साथियों, आपको क्या करना है, इन तीनों को ग्रुप करना है, 1 2 3, ये हमने ग्रुप कर लिया। जो इसके ऊपर आउटलाइन है आपको क्या करना है, पहले ये सेलेक्ट करनी है, ट्रू सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर इसको सेलेक्ट करेंगे, दोनों को हमने सेलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे तो ये आपको देखना ट्रिम हमें करना है, सेकंड नंबर का ऑप्शन होता है ट्रिम, उसको क्लिक करना है। तो क्या होगा साथियों, ये हमारा पीछे एक इसी का साइज़ का वो बन जाएगा, गैप बन जाएगा सारा। अब हमें क्या करना होगा, हमें अलग अलग कट करने होंगे। पहले हम लोग कट करेंगे ब्लैक, या किसी को भी कट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, ये हमारा अलग अलग बन चुका है, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले हम लोग इसको कट करेंगे फिर इसको कट करेंगे। तो कुछ भी कर सकते हैं आप, मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। इसको कट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी JPG फाइल बनाएंगे, क्योंकि हम लोग कैमियो में कट करेंगे। JPG फाइल बनाएंगे, किसी भी फोल्डर में ले लेते हैं, 1 2 3। सिंपल सा फॉर्मेट होता है साथियों, ये हो गया हमारा, एक मिनट रुक जाइए, हम यहाँ से सेलेक्टेड ओनली कर लेंगे और यहाँ से 1 2 3 4, जो हमने ये हमारा ट्रियो भी बन चुका है और हमारा ये जो पिंक कलर से कट होगा ये भी बन चुका है। अब हमें क्या करना है साथियों, कैमियो का सॉफ्टवेयर ओपन करना है। तो क्या है साथियों, हमारा कैमियो ओपन हो चुका है सॉफ्टवेयर। हमने जो जहाँ पर हमारी फाइल बनाई थी, पहले हम लोग ये उठा कर लेके आएंगे, ड्रैग करेंगे और इसमें आ जाएंगे, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो मिडल में आ जाएगी। हमें क्या करना होगा साथियों, इसको सेलेक्ट करना है, ट्रेसिंग में जाएंगे, सेलेक्ट ट्रेस पैनल करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये येलो हो जाएगा, ठीक है। इसके स्केल को 4 कर देंगे और कटिंग कर देंगे, इसको ट्रेस कर देंगे। तो हमारे दो पैनल हो चुके हैं, एक ये और एक ये। अब आपको ध्यान रखना है, इसको राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टली ज़रूर करना है आपका, ठीक है, ये मिरर हो चुका है। इसके बाद हम लोग सेकेंड पेज पर आएंगे, सेकेंड पर हमको सेम प्रोसेस यूज़ करना था, ये हमारा जो हमारा ट्रू है इसको लेकर आएंगे इस तरीके से, ठीक है। हमें साइजेस नहीं छेड़खानी करनी है क्योंकि हमने साइज बना रखा है ऑलरेडी। इसको ट्रेस करेंगे, येलो हो जाएगा, स्केल को 4 कर देंगे और ट्रेस कर देंगे। ये हमारा ट्रेस हो चुका है, आउटलाइन हमारी ट्रेस हो चुकी है, इसको क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टली कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये हमारा मिरर इमेज कटिंग हो चुकी है, इसको बेशक आप कर सकते हैं तो बॉक्स बना सकते हैं इस तरीके से।
अब आपको क्या करना है, सेंड कमांड देनी है। तो जैसा कि हमारी जो ये विनाइल होती हैं, ग्लिटर विनाइल होती हैं, थोड़ी थिक होती हैं, तो जिसके कारण से हम इसका जो फोर्स ऑटो ब्लेड करेंगे 3 और फोर्स कर देंगे 15। ठीक है, तो ऑटो ब्लेड 3 और फोर्स 15 हो गया। स्पीड हम लोग 5 रखेंगे और इसको कैमियो के जो मैट है उसके ऊपर रख के इसको कटिंग करेंगे। प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि हमने मैट लगा दिया है, इसको लोड करेंगे इस तरीके से, इसको आगे कर देंगे। ठीक है, लोड करेंगे, ये लोड हो चुका है। सेटिंग्स हमने रख ली थी जो हमें रखनी थी, इसके बाद हम इसको सिर्फ सेंड कर देंगे। ठीक है साथियों, तो क्या होगा, ये ऑटो ब्लेड, अभी ऑटो ब्लेड अपना सेट करेगा। वीडियो में कि हम आपको दिखाएं कि ग्लिटर विनाइल्स को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इसकी लुक देखें कितनी एवन बहुत प्यारी लुक आ रही है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत प्यारी लुक आ रही है। इसको आप ज्यादातर लेडीज टी शर्ट्स के लिए, गर्ल्स टी शर्ट्स के लिए और बच्चों की टी शर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इसको पसंद किया जाता है। तो इसमें ऑलमोस्ट जितने कलर्स हैं हमारे पास अवेलेबल होते हैं। किसी भी प्लॉटर से आप कटिंग कर सकते हैं। कैमियो 4 से मैंने आपको कटिंग करके दिखाया है। बारीक से बारीक लेटर भी आप कटिंग कर सकते हैं। कलर्स हमारे पास सारे अवेलेबल्स हैं, टी शर्ट्स हमारे पास सारी अवेलेबल्स हैं। तो ये था साथियों हमारी आज की वीडियो में कि हम आपको दिखाएंगे ग्लिटर विनाइल के हमारे पास पूरा फॉर्मेट अवेलेबल है। तो मिलते हैं आपको किसी दूसरी वीडियो में। और साथियों मैं आपको नेक्स्ट एक और सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें हम लोग दिखाएंगे आपको राइनस्टोन वर्क। राइनस्टोन वर्क एक्चुअली में होता क्या है, एक तरह के नग होते हैं। ये दो तरीके से वर्क करता है। एक वर्क करता था हमारा जो हम ग्लू से इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल कर करके पेस्ट करते हैं, और सेकंड हमारा ये वर्क होता है, इसको हम हॉट फिक्स कहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। राइनस्टोन के बारे में बात करेंगे कि इसको कैमियो 4 पे कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या इसका साइजेस होता है, कौन कौन से साइजेस में राइनस्टोन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से कलर्स होते हैं, तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये आपको आपके काम को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। तो मिलते हैं आपको किसी दूसरी वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।